वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। इंस्टाग्राम पोस्ट बना खौफनाक मौत की वजह, हैवानियत की खौफनाक वारदात, दफन हो गए 5 लोग। इस हत्याकांड से कांप उठा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में कुछ रोज पहले एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस हत्याकांड की कई परतें खुलती जा रही है। दरअसल नेमावर जैसी छोटी सी जगह पर हत्याकांड सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंतिम छोर पर स्थित नेमावर में एक खेत से पुलिस ने मंगलवार 29 जून की शाम खुदाई कर 5 शव बरामद किए थे। यह सभी लोग 13 से लापता थे, इसलिए पुलिस लगातार सभी 5 लोग, एक महिला, 3 युवती, एक युवक को लगातार तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की और आखिरकार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। फिर उनकी निशानदेही पर खेत में बने 10 फीट गहरे गड्ढे से 5 शव बरामद किए गए। इंस्टाग्राम पोस्ट बनी हत्याकांड की वजह। पुलिस की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक इस हत्याकांड की वजह मृतका रूपाली का एक इंस्टाग्राम पोस्ट था। दरअसल रूपाली और प्रमुख आरोपी सुरेंद्र के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब सुरेंद्र की शादी किसी और लड़की से तय हो गई तो रूपाली उससे नाराज हो गई और उसने एक दिन सुरेंद्र की मंगेतर की फोटो इंस्टाग्राम पर डाल दी, जो इलाके में वायरल हो गई। बाद में जब आरोपी सुरेंद्र को यह पता चला तो वह गुस्से से भर गया और उसने रूपाली को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके लिए पहले रूपाली को सुरेंद्र ने फोन किया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद बहाने से रूपाली की मां को बुलवाया गया और फिर उसकी भी हत्या कर दी गई। फिर रूपाली की बहनों जो कि दिव्या और पूजा को खेत पर बुलाया गया और उनकी हत्या के बाद सबसे आखिर में पवन को भी मार दिया गया। इन सब के बाद पुलिस लंबे समय तक तो हाथ पैर मारती रही, लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर जब सुरेंद्र के खेत में काम करने वाले हाली मनोज से पूछताछ हुई तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची? पुलिस को जब हाली मनोज ने बताया कि रूपाली और बाकी लोगों के साथ खेत पर क्या हुआ, तो उसके आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र और सभी आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद उनसे सख्ती से पूछताछ की तो थोड़ी ही देर में वो टूट गए और पुलिस को सारी कहानी बता दी। उन्होंने हत्याकांड में शामिल बाकी साथियों का नाम भी बताया और बाद में आरोपियों की निशानदेही पर ही खेत में बने गड्ढे से 5 शव बरामद किए गए। रूपाली का फोन बना मिस्ट्री। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी मिस्ट्री बना रूपाली का मोबाइल फोन। दरअसल सुरेंद्र ने बताया कि किसी को शक ना हो, इसके लिए उसने रूपाली का मोबाइल अपने दोस्त राकेश को दे दिया था, जो अलग अलग लोकेशन पर जाकर रूपाली के मोबाइल से पोस्ट डालते रहता था। यही नहीं, 27 से 28 मई को पूजा की मां नीतू के फोन पर राकेश ने मैसेज किया कि मैंने शादी कर ली है और जल्द ही पूजा की भी शादी करवा दूंगी, हम लोग सब सुरक्षित हैं और खुश हैं, हमारी चिंता मत करना। इसके बाद नीतू नेमावर पहुंची और रूपाली के खिलाफ अपनी बेटी पूजा और बेटे पवन के अपहरण की शिकायत पुलिस को दी। इससे पुलिस का पूरा शक रूपाली पर चला गया कि सबके गायब होने के पीछे रूपाली का ही हाथ है, लेकिन पुलिस को क्या पता था कि रूपाली के मोबाइल से रूपाली बनकर सुरेंद्र का दोस्त राकेश ही मैसेज कर रहा था ताकि सब गुमराह हो जाए। शवों पर डाला था नमक ताकि जल्दी गले शव। आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने सभी शवों को गड्ढे में फेंकने के बाद उनके ऊपर नमक डाल दिया ताकि शव जल्दी गल जाए और भविष्य में यदि कोई कोशिश भी करे तो शवों की शिनाख्त ना हो सके। तो देखा आपने, अपराधी मानसिकता वाले लोग अपराध को किस किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले के बाहर आ जाने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन अपराधियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तनी? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।